अब सर की लर्निंग कर लेंगे। देखो पहले हम सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे ऑप्टिटेक्स का, ऑप्टिटेक्स 11 ऑप्टिटेक्स सॉफ्टवेयर में काम करने जा रहा हूँ। अभी हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है पीडीएस 11। ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया, अब मैं पैटर्न उठाऊंगा। यहाँ ओपन में गया, डेस्कटॉप पर हमारी फाइल पड़ी है एक ने, इसको मैं ओपन कर लिया। इसको ओपन करने के बाद अब हमें इस पैटर्न पर मुझे ग्रेडिंग करना है, ग्रेडिंग साइज टेबल। ग्रेडिंग को साइज हम कहाँ से बनाते हैं, ग्रेडिंग पर जाते हैं। ग्रेडिंग आप साइज पर क्लिक करते हैं, जिस बेस साइज हमारा स्मॉल है। छोटा साइज हम बनाने के लिए इंसर्ट साइज पर क्लिक करेंगे, हो जाएगा। इंसर्ट साइज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम एक्स्ट्रा स्मॉल लिख देंगे, ठीक। स्मॉल साइज, स्मॉल से बड़े साइज बनाने के लिए हम अपेंड साइज पर क्लिक करते हैं। जैसे हम अपेंड साइज पर यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर मीडियम बना दिया। फिर अपेंड साइज पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर लार्ज बना देंगे। फिर क्या, हम अपेंड साइज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक्सेल बना देंगे। फिर अपेंड साइज पर हम क्लिक, एक्सेल साइज पर क्लिक करेंगे और अपेंड साइज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम डबल एक्सेल बना देंगे, ठीक है। उसके बाद हम कलर चूज करेंगे कि हम कलर इसलिए चूज करते हैं कि ग्रेडिंग अगर हमारी फ्लिप हो तो उससे हमें पता चल जाता। तो हम बड़ा वाला साइज रेड लेते हैं और छोटा वाला हम ग्रीन ले लेते हैं। फिर यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे। ग्रेडिंग टेबल 2 से खुलती है तो हम 2 पर यहाँ क्लिक कर दिए, ग्रेडिंग टेबल खुल गई। अब हम नेक ब्रेथ पर ग्रेडिंग डालने के लिए हम यहाँ पर देखो, नेक ब्रेथ सीम टू सीम, नेक ब्रेथ सीम टू सीम में ग्रेडिंग हमारी चल रही है 0.5 की, तो हम नेक ब्रेथ में डिवाइड बाई 2 ग्रेडिंग डालते हैं। तो यहाँ पर हम नेक ब्रेथ डाल दिए -0.25। यह 4 से हमारी ग्रेडिंग ऑन ऑफ होती है। यहाँ से हम कॉपी किए, नेक ब्रेथ पॉइंट पर क्लिक किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। फिर जो हमारी ग्रेडिंग बैक में डलेगी वही ग्रेडिंग हमारी सेम फ्रंट में डलती है। यहाँ पर भी हम वाई पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब आ जाओ बैक नेक ड्रॉप, बैक नेक ड्रॉप HPS टू सीम बायर ने इक्वल दे रखा है तो यहाँ पर नहीं डलेगी ग्रेडिंग। आ जाओ फ्रंट लेन, फ्रंट नेक ड्रॉप HPS टू सीम बायर ने देखी 0.55 की ग्रेडिंग, तो नेक ड्रॉप की ग्रेडिंग हम X में डालते हैं तो यहाँ पर 0.5। यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर हम पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हम सेव कर दिए। अब आ जाओ शोल्डर लेंथ, अक्रॉस शोल्डर सीम टू सीम ग्रेडिंग हमारी है 36.5, 37.5, 41, 41, 42, 44, मतलब 1.5 सेंटीमीटर का गैपिंग है। तो शोल्डर में हम ग्रेडिंग डिवाइड बाई 2 डालेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर का डिवाइड 2 करेंगे तो आएगा 75। तो यहाँ -0.75, तो यहाँ -0.75 यहाँ कॉपी किया अक्रॉस शोल्डर पर, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। फिर जो अक्रॉस बैक ब्रिथ एट मिड ऑफ आर मोल है वो भी अक्रॉस बैक की जितनी ग्रेडिंग 1.5 सेंटीमीटर में भी चल रही है तो सेम ग्रेडिंग इसमें चलेगी, तो यहाँ डाल दिया। जो बैक में ग्रेडिंग डलेगी सेम ग्रेडिंग वही फ्रंट में डलेगी, तो इसको हम जो शोल्डर बैक में डाला था वही फ्रंट में डाल दिया। अक्रॉस बैक मिड जो बैक में डाला था अक्रॉस बैक मिड वही फ्रंट में डाल दिया, 1.5 सेंटीमीटर की ग्रेडिंग है। अब चेस्ट की ग्रेडिंग डालेंगे, चेस्ट हाफ चेस्ट विथ एट द आर्म होल 48, मतलब 2.5 सेंटीमीटर की गैपिंग है। तो हम हाफ चेस्ट को हम डिवाइड बाई 2 में डालते हैं तो हमें डालना पड़ेगा -1.25। चेस्ट फेस बॉटम की तीनों ग्रेडिंग सेम चल रही, तीनों में ग्रेडिंग 2.5 चल रही, तो हम इसको हाफ में तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हम 2.5 का आधा करेंगे तो 1.25 यहाँ बेस में भी डाल दिया और बॉटम में भी डाल दिया, बॉटम भी हो गया। अब हमारा बेस पोजीशन, बेस पोजीशन दे रखा 38, 39, 40, 41, 42, 43, 1-1 सेंटीमीटर बेस पोजीशन दे रखा। तो बेस पर हम क्लिक करेंगे, पोजीशन वाली ग्रेडिंग हम एक्स में डालते हैं, एक्स में यहाँ पर डाल दिया। फिर आ जाओ आर्मोल स्टेट के लिए हम 5 से कंपेयर लेंथ खोलेंगे। फिर यहाँ से यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, प्लस पर क्लिक करेंगे, अलॉन्ग कंट्रोल लाइन है तो यहाँ कर्व के लिए है, स्ट्रेट लाइन पर नाम स्ट्रेट पर क्लिक करेंगे।
हमें आर्मोर स्टेट 1 सेंटीमीटर चाहिए, तो हम यहाँ आर्मोर पर एक्स में यहाँ डाउन करेंगे 0.9, यहाँ पर अपडेट कर देंगे 1 सेंटीमीटर, ये हमारी आर्मोर वाली ग्रेडिंग आ गई। ठीक है, अब हमें फ्रंट लेंथ चाहिए, हमें चाहिए बैक लेंथ, बैक लेंथ और फ्रंट लेंथ फ्रॉम HPS। तो HPS वाला यहाँ से यहाँ हम नापेंगे, क्लियर कर देंगे यहाँ प्लस पर यहाँ एक्स में बैक लेंथ की जंपिंग जा रही है, एक टा स्मॉल में 2 है, फिर लार्ज में 2 है, फिर डबल एक्सल में 2 है। इसको यहाँ से कॉपी किया, इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर दिए और यहाँ पर अपडेट कर दिए, जो जंपिंग रेडिंग हमारी जा रही है एक्सेट ये वाली स्मॉल मीडियम में बराबर है, यहाँ भी स्मॉल मीडियम बराबर है, ठीक, लार्ज एक्सेल ये बराबर है, तो लार्ज एक्सेल ये भी बराबर है, डबल एक्सेल ये बराबर है, इसको कंपेयर लेंथ में नापेंगे एक्स में। अब जो बैक में ग्रेडिंग जा रही है वही सीधा फ्रंट में जाएगी, इसको यहाँ से हम कॉपी किएंगे, आर्मोला वाला पॉइंट यहाँ पर हम डाल देंगे, सीधा ये डार्ट में डाल देंगे, बेस वाला यहाँ से कॉपी करेंगे बैक का, बेस वाली पॉइंट पर डाल देंगे फ्रंट का। ठीक, अब लेंथ वाली बॉटम और लेंथ वाली यहाँ बैक का कॉपी करेंगे, यहाँ फ्रंट में हम डाल देंगे, पेस्ट किए लेंथ वाली यहाँ से यहाँ इसको एक्स में डाल दिए। ठीक, अब जो डार्ट में हम ग्रेडिंग कैसे डालते हैं, एक्स वाली जो आर्मोल का है, एक्स वाली जो चलती है आर्मोल का वही डाल देते हैं, चेस्ट की आधी हम डार्ट में ग्रेडिंग डालते हैं, चेस्ट की आधी डार्ट में ग्रेडिंग, ग्रेडिंग हमारी चेस्ट में चल रही 1.25, तो आधी कितनी हो जाएगी -0.63। ये रूल होते हैं, मतलब जैसे डार्ट की हमें ग्रेडिंग करनी है, स्लिप स्लेट की ग्रेडिंग करनी है, तो अगर डार्ट की करनी है तो चेस्ट की आधी हमारी डार्ट में ग्रेडिंग चलती है, चेस्ट होगा उसकी आधी हम डालेंगे। ये हो गया बैक, ये हो गया फ्रंट हमारी। ठीक है, सेव कर दिया, अब आ जाओ स्लीव ओपनिंग, स्लीव ओपनिंग ये पार्ट यहाँ है और ये कप ये है, जो पार्ट जैसे जुड़ेगा हम उसको आन ले, स्लीव ओपनिंग है, स्लीव ओपनिंग में हमारी चल रही है 9, 9.5, 10, 11.5 सेंटीमीटर ग्रेडिंग चल रही है, तो हाफ में है तो हम पूरा डाल देंगे -0.5, जो ओपनिंग में जा लेंगे वही ये कप ओपनिंग में, यहाँ भी कप ओपनिंग में, यहाँ भी कप ओपनिंग में, फिर इस साइड डाल देंगे कप ओपनिंग में, जो साइड डलेगा उस साइड भी डलेगा, इस साइड ये भी डलेगा, मतलब जो पार्ट जहाँ जुड़ेगा, जिसका अटैचमेंट होगा जिस पार्ट का, उस पार्ट की वैल्यू हम वहीं डालते हैं। ठीक, अब आएगा जाओ 5 बाइसेप 1 इंच बिलो आर्मोल, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हाफ में दे रखा, तो हम टोटल वैल्यू डाल देंगे, अगर फुल में होता तो डिवाइड बाई 2 करते, कितना करते 2। अगर एल्बो है फुल में तो कितना करेंगे बताओ, एल्बो में लिखा नहीं था स्लीव ओपनिंग एल्बो बाइसेप, अगर फुल में तो डिवाइड बाई 2 वैल्यू डालेंगे, अगर हाफ में आए तो पूरा डालेंगे, तो यहाँ पर हाफ दे रखा तो इसलिए हम पूरा डालेंगे। यस सर, इसको यहाँ पर हम क्लिक कर दिए। ठीक है, यहाँ बाइसेप हो गया, अब यहाँ पर हम लेंथ डालेंगे, लेंथ को हम यहाँ पर पहले डाल लो या पहले नाप लो, कंपेयर लेंथ खोल लिया। ठीक है, लेंथ को हम एक्स में डालेंगे, यहाँ से यहाँ इसको प्लस किया, एक्स पे क्लिक किया और कप लेकर हमारी लेंथ नाप रही है, तो कप को भी नाप लिया, यहाँ 60 है, यहाँ पर भी बेस साफ है, स्लीव लेंथ फ्रॉम LPS 60 है, 1 सेंटीमीटर ग्रेडिंग है, तो हम यहाँ पर एक्स में डालेंगे, 1 सेंटीमीटर ये डाल दिया यहाँ, और यहाँ से यहाँ कॉपी किया, इसको यहाँ पेस्ट कर दिया एक्स में, यहाँ पर अपडेट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर जो ग्रेडिंग चाहिए हमारी, 1 सेंटीमीटर ग्रेडिंग यहाँ पर आ गई है। ठीक, हाँ टेबल पर, अब जो है स्लिट में ग्रेडिंग कितनी डालेंगे, स्लिप के स्लिट में स्लिप ओपनिंग की आधी ग्रेडिंग डलेगी, तो 0.5 सेंटीमीटर तो कितना डालेंगे -0.25। ठीक है, ये स्लिप ओपनिंग की हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमारा आर्मोल सर्कम मैच करना है, मतलब हमारी लेंथ हो गई, फ्रंट हो गया, बैक हो गया, स्लीव हो गया, इसमें प्लेट में पड़ रही, प्लेट में नहीं पड़ेगी 1 2 5 की, किसमें जैसे स्लिट की पड़ी है,
ये पड़ेगी उतना से पौधा चला जाएगा। तो इसमें डालनी पड़ेगी ना इसलिए इसकी डाल दो, नहीं तो इसकी आधी हम डालते हैं 1.25 डालेंगे। इसकी भी आधी डलती है इस लीटर में, अगर प्लेट बन रही है तो इसकी भी आधी जाएगी। -0.125 अगर प्लेट बन रही है तो उसकी भी आधी जाएगी, और नहीं तो इसकी जो आधी है इसकी डाल, दोनों ऑप्शन है। अब आ जाओ आरमोल सरकम, आरमोल सरकम और स्लीप का सरकम दोनों मैच होना चाहिए, क्योंकि जो आला जुड़ेगा तो बराबर होना चाहिए। तो हम ये बैग का सरकम ले लिए, बैग का सरकम ले लिया प्लस, ठीक, फ्रंट का सरकम ले लिया प्लस में। अब स्लीप का सरकम लेंगे हम माइनस में, इसको यहाँ माइनस में क्लिक कर दिया। बैग का जो आ रहा ग्रेडिंग हमारा 2.14, ये 2.18, स्लीप का आ रहा 1.6। तो मैचिंग के लिए हम यक्स में इधर डाउन करेंगे, 0.5 यहाँ डाल किया, जो इस पॉइंट पर वैल्यू डालेंगे वही इस पॉइंट पर हम वैल्यू डालेंगे इस वाले पॉइंट पर। दोनों पॉइंट ये बराबर होना चाहिए। अब ये जो मैंने यहाँ डाला कॉपी करके पेस्ट मैंने यहाँ डाल दिया, फिर अपडेट करेंगे यहाँ पर 2.14, 2.13, 2.35, 2.35, यहाँ पर थोड़ा कम डालेंगे 45.45, यहाँ भी 0.45, यहाँ पर अपडेट कर दिया 2.14, 2.8, 2.29, अभी भी थोड़ा थोड़ा और करना है 0.41, जो यहाँ कॉपी किया यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पर अपडेट कर दिया। अब मतलब हमारा जो ये बैक का है और ये स्लीप का, मतलब ये आरमोल का है ये स्लीप का, दोनों हमारा मैच कर गया, बैक फ्रंट का सरकम हमारा मैच हो गया, ठीक है। अब हम बटन की ग्रेडिंग कैसे करें, बटन की ग्रेडिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा फ्रंट एंड ड्रॉप की ग्रेडिंग है उसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, उसको पहले वाले पॉइंट पर हम एक्स पर यहाँ क्लिक कर देंगे, ठीक। जो लेंथ वाली है, लेंथ वाली यहाँ पर क्लिक करेंगे, और ये लास्ट वाले पॉइंट पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक। मतलब बटन के लिए हम क्या करते हैं, पहले वाले पॉइंट पर हम यहाँ डालेंगे और लास्ट वाले बटन पर डाल देंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा, जो ऊपर वाले, हाँ ऊपर वाले, जो जो हमें क्या नाम है, हाँ जो फ्रंट एंड टॉप की ग्रेडिंग है वो फर्स्ट बटन में डलेगी, जो लेंथ की ग्रेडिंग है वो लास्ट बटन में डलेगी। उसके बाद हम जाएंगे ग्रेड प्रोफेशनल में, ये है हमारा ये ग्रेड प्रोफेशनल पर क्लिक कर देंगे, पहले हम फर्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट बटन पर क्लिक करेंगे, फिर हम लास्ट बटन से दो नंबर पर चलेंगे, यानी कि पहले नंबर पर, दो नंबर से हमें चलना है, दो नंबर से तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, जो लास्ट वाला बटन है उस पर नहीं क्लिक करना है, दोनों पे तो हो ही ना, हाँ वो क्योंकि हम पहले कर चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट बटन हम पहले कर चुके हैं इसलिए नहीं क्लिक कर रहे हैं, अगर क्लिक कर देंगे तो हमारी गलत हो सकती है। अब कंट्रोल डी से हम बटन का डिस्टेंस ले सकते हैं, देख सकते हैं बराबर आने चाहिए, देखो स्पेस यहाँ से लिया 3-3, 3-1, 3-1, 3, ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया तो सेम इसमें भी आना चाहिए 3-1, 3-1, 3, मतलब हर बटन स्पेसिंग हमारी बराबर है। फिर ग्रेडिंग ये हमारी बैक फ्रंट की इसकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक। ग्रेडिंग करने के बाद क्या होता है, हम साइड सीम मैच करते हैं, क्योंकि हमारी दोनों में बराबर आ रही है साइड सीम की नहीं आ रही है, अगर साइड सीम नहीं बराबर होगा तो हमारी पीस सही नहीं कटे, नहीं चलाई हो पाएगी, अनइवन आएगा। तो हम यहाँ पर प्लस क्लिक किया, बैक का साइड ले लिया और फ्रंट का साइड ले लिया, माइनस कर दिया, तो हमारी क्या है 1.8 यहाँ चल रही, 1.8 यहाँ, 88 यहाँ, मतलब हमारी ग्रेन टेबल दोनों बराबर चल रही है, तो इसलिए साइड सही है। अब ऐसे हम क्या करेंगे, स्लीव का साइड मैच करेंगे, स्लीव इनसाइड यहाँ प्लस किया, हाँ माइनस।